अलवर जिले से आ रही है बड़ी खबर। अलवर जिले के एनीबी थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में बीती रात्रि दो पक्षों में आपसी कहासुनी में हुआ झगड़ा। झगड़े में पक्ष के एक लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग में एक युवक को छर्रा लगने से वो घायल हो गया, जबकि उसके एक भाई सिर में बंदूक की बट लगने से घायल हुए थे। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दो गुट के दोनों को हिरासत में लेकर एक गाड़ी में जब्त किया है। दोनों ही पक्ष सामोला के रहने वाले हैं। झगड़ा पैसे के लेन देन को लेकर हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। अलवर से गिरिराज प्रसाद सोलंकी की रिपोर्ट। जी बताएं क्या घटना हुआ। हम वहाँ पर जूस पीने के लिए गए थे दुकान पर, हम तो सर वहाँ बैठे थे, कोई दोस्त आया, हम उससे मिले, उसको हम ठंडा वंडा पिलाने लगे। सर ये आया कार को लेकर, इसने ड्रिंक कर रखी थी जब ये अकेले था कार में। उसके बाद सर ये वहाँ से चला गया, इसने गाली गबोज करने लगा। उसके बाद हमने भेज दिया इसको, मैंने तू घर जाते हैं ड्रिंक कर रखी। सर ये दोबारा इसने सर दो तीन बंदे और बुलाए, और इसका भाई, दो इसके भाई थे, और एक ये खुद था, एक इनका लड़का है, इनका नाम सर उन्नस मुश्ताक राहुल, और इसका जहीर इसके लड़के का नाम, ये थे। और सर इन्होंने आते ही सर फायरिंग कर दी। इन्होंने फायरिंग करने के बाद सर इनका जो इन पे सर हथियार था, जो पुलिस ने जमानत कर ले, पुलिस के पास है, पुलिस को जो इनको हिस्सा आधा हिस्सा मिल गया तो वो टूट गई थी, जिसने सिर में दिया था ना, तो सर टूट गई थी बंदूक बीच में से, आधी पुलिस के पास आधी उनके पास है। पुलिस की सर झट्टी, हम वहाँ से सर भागे, तो सर हमें तो मेरे घर पर आ गया भाग के। सर मैंने घर को बोला, जब जैसे हम गए थे इनके पीछे पुलिस थी, इन्हें सर पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके, लाठी दिया पुलिस ने सर इनका वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना। और उसके बाद सर वहाँ से सर ये गाड़ी लेके भाग गए सर, इनकी पुलिस की गाड़ी सर इनके चार इनके पीछे लग गई। एक बंदा सर पकड़ लिया है सर, ये 6 महीना पहले पकड़ा था सर, ये चोरी गोरी का काम करता है। कहाँ की घटना है ये? सर अंबेडकर नगर की है। बात किस बात विवाद किस बात को सर? विवाद कुछ भी नहीं था सर, इसने ड्रिंक कर रखी सर, हम वहाँ तो खड़े थे, हमसे जीतने लग गया। अच्छा, जब तो सर ये वहाँ चला गया, हम वापसी जब जीत जुदा के, तो उसके बाद दोबारा आया है 10 या 15 मिनट बाद ना, हम तो वहाँ उसे बैठे थे अपने को, हमको हमारे दिल में वही नहीं था पाप। ये जो लड़का आया था उसका कितने आदमी थे? वो सर कार में थे 6-7 आदमी, और 2 मोटरसाइकिलों पे थे, 2-2 बंदे। अच्छा, इन पे सर पिस्टल था एक, सर इन पर बंदूक सर 2 नाल की। नंबर नोट करिएगा। हाँ सर, कार नंबर है सर इनका 2191 RJ02 2191 कार नंबर है। और सर ये हमारे वहाँ अंबेडकर नगर में रहता है, पहले भी सर कई बार झगड़ा होता है गांव के किसी से भी, ये हथियारों को लेकर भागते हैं किसी सब किसी के। अब आप आईने भी थाने आए हो तो यहाँ FIR कराने आए? हाँ सर, FIR कराने सर, मेरे छोटे भाई के छर्रा लगा है। अच्छा। सर गांव के सर और काफी बंदे हैं, उन्होंने किसी के सर एक का हाथ में के सर गोली पार हो गई है, और किसी के पैर में लगी, एक का 10 बंदे डैमेज है सर, वो डर के मारा है नहीं, ये किसने है जो उनको रंजिश का मामला? रंजीश का सर कोई मामला था ही नहीं, तो आप किसी से गांव में सर 50-100 आदमी 200 किसी से पूछ लेना, लेन देन का मामला कुछ लेन देन कुछ मामला नहीं है। सुमना मामू को मेरा सर सुमना मजरू खान है। हाँ जी बताए क्या घटना हुई है। मेरा नाम झूरू खान है, सामोला का रहने वाला हूँ। तो हम तो घर पे थे, ये भाई रहता है अंबेडनगर में 33 पर, तो हमारे पास खबर गई कि भाई वहाँ झगड़ा हुआ है, फायरिंग हो गई लड़के का। तो हम वहाँ से आए तो इतने में वो भाग गए गाड़ी लेके। फिर भाई ये दादागिरी करते हैं, पिछले साल भी उन्होंने इनके पड़ोस में एक बढ़िया का लड़का था, दीवार में दीवार, उसको पीटा था और उसे घर में चोरी भी करी थी, और यहाँ भी पुलिस उस लड़के को पकड़ के लाई थी, और फिर इन्होंने उन पर दबाव डाल के राजीनामा कर लिया। और ये ऐसे ही दादागिरी में रहते हैं, इनका बाप रिटायर्ड फौजी है नसरू खान, वो गार्ड की अब नौकरी कर रहा है, और अब धमकी दे के गए। आज जो घटना हुई थी वो किस कैसे हुई थी है जी? आज जो घटना हुई है ये फायरिंग का, हाँ। ये क्या मामला है? ये मामला तो भाई ये लड़के वहाँ लक्ष्मी प्रॉपर्टी वाले के पास वहाँ जूस वूस के कचौड़ी पकौड़ी के खूंचे, शाम के टाइम चले जाते हैं बच्चे गाँव खाने पीने के लिए जी। अब वहाँ इनका झगड़ा हुआ है। अब ये लड़के ही बता रहे थे कि भाई पहले हमारी कहासुनी हुई, फिर वो घर चले गए, घर से बंदूक दे के आए, जब उन्होंने फायरिंग करी अब इनके भी लगे, और भी 2-4-5 लड़कों के छर्रे वर्रे लगे, ये बात ठीक। मेरा नाम वाहिद खान है, हम वहाँ पे आए थे, जैसे फ़ोन किया था, जैसे ही आए वहाँ कुछ वह नहीं, फिर जैसे वह आए कार में 6-7 बंदे थे, और उन्होंने आते ही फायरिंग कर दी। कौन कौन थे, क्या नाम था उनका? राहुल और उनके दो भाई वे मुश्ताक और उन्नस और उनका एक लड़का। किस बात को लेके? हमें फ़ोन किया था, वह जैसे आए थे हम, जैसे फ़ोन किया था तब आए थे हम वहाँ, जैसे यहाँ वो लड़ाई हो रही थी। तो लड़ाई किस बात को हुई? आप वहाँ थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मैं था नहीं वहाँ, फ़ोन किया था वहाँ पर।
अच्छा, आपके भाई ने आपको वहाँ बुलाया, तो आपके साथ क्या क्या हुआ फिर वहाँ? जैसे वहाँ हम बचाव कर रहे थे, वहाँ फायरिंग की थी उन्होंने, जैसे हमारे छर्रे पड़ गए वहाँ पे। क्या नाम है आपका? वाहिद खान। अच्छा, वहाँ क्या घटना हुई थी? सर मेरा नाम अजरू है, पिता का नाम मुशरफ खान है। सर वहाँ हम जूस पीने के लिए गए थे, वो आए थे पहले ड्रिंक कर रखी थी वो हमने सर पी। कौन थे वो? वो सर हमारे पीछे वाले रहते हैं वो। क्या नाम है? राहुल खान, बाप का नाम नसरू। अच्छा, और उसके दो भाई उन्नस, ये एक का मुश्ताक, एक का जाहिद, और तीन चार और थे, उनका मेरा नाम नहीं पता। अच्छा। वो कोई बाहर गए थे या कहाँ गए थे। हाँ। और सर ये थे, उसके बाद गाड़ी में आए थे, पहले तो सर ये वापसी चले गए थे। अच्छा। वहाँ से सर दोबारा 10 मिनट बाद आए सर, पिस्टल हथियार थे इनके पास, वहाँ सर हम खड़े थे सर, और इन्होंने आते ही सर हमारे मेरे बिंदु की यहाँ दी, और इधर मैं तो सर वहाँ गिर गया था, वहाँ से मैं भगा, इन्होंने पिस्टल मतलब पिस्टल और गोली छोड़ दी थी, एक आध 10 बंदों बद को चोट आई, दो तो हम और काफ़ी हैं सर गाँव के, कोई सी हाथ एक के हाथ में सर यहाँ से गोली पार हो गई, और सर दो तीन और वहाँ कैसे आए फिर वहाँ से आप? सर वहाँ से भगे हम सर जान बचा के, जब इन्होंने सर फायरिंग कर दी, मैं तो सर भग के घर पर आ गया।